यदि आप सिनेमा में इंटरेस्ट रखते हैं, सिनेमा को बनाने में इंटरेस्ट रखते हैं, मतलब कि आप एडिटिंग करना चाहते हैं, तो आज का फिल्मी फंडे है आपके लिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फिल्मी फंडे जॉइंट फिल्म्स एकेडमी। मैं हूं आपका अपना वीरेंद्र राठौर और आप देख रहे हैं बॉलीवुड का गूगल जॉइंट फिल्म्स यूट्यूब चैनल। एडिटिंग, इस पर मैंने पहले भी बहुत सारे वीडियो बनाए हैं, मैं थंबनेल शेयर कर रहा हूं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी दे रहा हूं, उनको जरूर देखिएगा। फिल्म मेकिंग के भी वीडियो देखेगा, ऑन लोकेशंस वाले, उससे भी आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, क्योंकि जॉइंट फिल्म्स में 2000 से ज्यादा वीडियो अवेलेबल हैं बॉलीवुड में आपका करियर बनाने के लिए और आपकी हेल्प के लिए। एडिटिंग में जो सबसे ज्यादा जरूरी होता है वो होता है एडिटर का एडिटिंग सेंस। देखिए, टूल्स तो आप यूट्यूब से भी सीख सकते हैं। आज FCP आपको, यानी कि फाइनल कट प्रो सीखना हो, एडोब प्रीमियर सीखना हो या कोई और सॉफ्टवेयर सीखना हो, तो यूट्यूब पे बहुत सारे ट्यूटोरियल अवेलेबल है। तो क्या उससे एडिटर बना जा सकता है? बिल्कुल नहीं। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मेरे पास बहुत सारे लोगों की वीडियो क्लिपिंग्स आते हैं कि सर मेरे को एडिटिंग में जॉब चाहिए, लेकिन मैं एक साल से परेशान हूँ, छः महीने से परेशान हूँ, मुझे कोई जॉब नहीं मिल रहा, मैं एडिटिंग कर लेता हूँ। इवन वो आफ्टर इफेक्ट भी कर लेते हैं कि वो क्रोमा पे कुछ उड़ाना है, कुछ गिराना है, किसी चीज़ को कुछ करना है, वो कर लेते हैं, लेकिन उसके बाद भी उनको जॉब नहीं मिल रहा। रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि उनको लगता है कि उनको एडिटिंग के बारे में सब कुछ मालूम है। देखिए, जब आप अपने मोबाइल पर किसी ऐप से एडिट करते हैं या अपने मशीन पर, डेस्कटॉप पर या लैपटॉप पर आप एडिट करते हैं, तो आपको ये नहीं मालूम कि इसकी टेलीकास्ट क्वालिटी क्या होती है, वो रेजोल्यूशन क्या होता है जिससे कि सैटेलाइट चैनल पे, OTT प्लेटफॉर्म पे या फिल्म के बड़े पर्दे पर चीज़ें रिलीज होती हैं। इन दोनों में बहुत फ़र्क है। जो हमें मोबाइल पे अच्छा लग रहा है, हो सकता है बड़े स्क्रीन पर जाते ही उसके जो पिक्सल्स हैं वो फट जाएं और वो अच्छा ना दिखे। क्वालिटी इम्पॉर्टेंट है। दूसरा फर्क क्या होता है कि आप अपने ही शूट की हुई चीज़ों को जब एडिट करते हैं तो आपको मालूम होता है कि मैं क्या कर रहा हूँ, लेकिन अगर एडिटिंग में आपको आना है तो एक राइटर की लिखी हुई कहानी पे एक डायरेक्टर फिल्म बनाएगा और उसको आपको एडिट करना है। इन दोनों चीज़ों में फ़र्क है। जो मैंने बनाया उसको एडिट करना कोई भी कर सकता है, लेकिन जो दूसरे ने बनाया उसको उसी हिसाब से एडिट करना जैसा कि कहानी की डिमांड है, ये थोड़ा सा चैलेंजिंग हो जाता है, क्योंकि शूटिंग आपके हाथ में नहीं है। तो इसके लिए एक एडिटर का एडिटिंग सेंस होना बहुत ज़रूरी है। ये भी तकरीबन डायरेक्टर के बराबरी का, जिम्मेदारी का जॉब है। और इसमें आज फिल्म इंडस्ट्री में बहुत सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं, क्योंकि इतना काम बढ़ गया है कि हर किसी को एडिटर चाहिए। एडिटर्स को अच्छे असिस्टेंट चाहिए जिनको काम आता हो, जिनको प्रोफेशनल वर्क की समझ हो। आपके पास बहुत सारे मौके होते हैं, बहुत से गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट भी हैं, लेकिन हाँ, वहाँ पर कई बार प्रैक्टिकल सीखने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है। लेकिन अगर आप अच्छे से सीख जाते हैं कि गाने कैसे एडिट किए जाते हैं, क्योंकि उनका फ्लेवर अलग होता है, फिर उसके बाद कॉर्पोरेट फिल्म्स हैं वो कैसे एडिट की जाती हैं, अगर आप वो सीख जाते हैं तो आप क्या करते हैं, फिर आपके करियर में ऑप्शन खुल रहे हैं कि भाई ठीक है, फिल्म एडिट करना मेरा मेन गोल हो सकता है, लेकिन इन बिटवीन मैं कॉर्पोरेट फिल्म को एडिट कर सकता हूँ, उसमें बहुत अच्छी इनकम जनरेट कर सकता हूँ, या फिर मैं प्रोसेस फिल्म एडिट कर सकता हूँ, या फिर मैं ई लर्निंग मॉड्यूल जो बनते हैं उनको कर सकता हूँ, क्योंकि हर चीज़ का सेंस अलग 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 होता है। या फिर शॉर्ट फिल्म अगर आपने एडिट कर ली है तो आपको वो सेंस आ जाता है कि कम समय में चीज़ों को कैसे बयान किया जाता है। या फिर आपने एक वेब सीरीज एडिट कर ली तो आपको ये पता चल जाता है कि भाई जब वेब सीरीज होती है तो सीरियल से वो कितना अलग होता है, उसका ट्रीटमेंट फिल्मों से कितना अलग होता है, वो आपको समझ में आ जाता है। एड फिल्म आप एडिट कर लेते हैं तो आपको समझ में आ जाता है कि कुछ सेकंड्स में ही पूरी की पूरी कहानी को कैसे ड्राफ्ट करना है, वो आप सीख जाते हैं। इसके साथ साथ अगर आपने एक फीचर फिल्म को एडिट कर लिया तो आपको एक सेंस आता है कि यार ये जो फिल्म है उसमें इतने नंबर ऑफ शॉट्स हैं, नंबर ऑफ सीन्स हैं। ये सब चीज़ें अगर आप जानते हैं, आपको आती है, तो यकीनन आप फिल्म इंडस्ट्री में काम कर रहे होंगे। लेकिन जिनको नहीं आती है, यकीनन वो अभी काम नहीं कर रहे होंगे, लेकिन इससे घबराने की बात नहीं, आप इसको सीख भी तो सकते हैं। जॉइंट फिल्म्स एकेडमी में प्रैक्टिकल एडिटिंग कोर्स है जिसमें कि आपको वेब सीरीज एडिट करना सिखाया जाता है ओरिजिनल फुटेज से, फिल्म की ओरिजिनल फुटेज दी जाती है जिससे आप एडिट करके सीखते हैं, उसके बाद वीडियो एल्बम है, कॉर्पोरेट फिल्म्स हैं, प्रोसेस फिल्म्स हैं, या फिर जो बाकी चीज़ें भी फिल्म के अलग अलग एलिमेंट्स होते हैं, शॉर्ट फिल्म्स होती हैं, वो सब आपसे एडिट कराई जाती हैं, और उसके बाद आप इंटर्नशिप भी करते हैं और आप इतने प्रिपेयर हो जाते हैं कि कहीं पर भी आप आसानी से किसी को असेस कर सकते हैं या आप एडिटिंग का जॉब फ्रीलांसिंग में भी कर सकते हैं। तो ये एक करियर वाइज बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, लेकिन इसमें दो तीन चीज़ें हैं जो बहुत ज़रूरी होती है। पहला है, आपका सिंसियर होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब आप डायरेक्शन करते हैं तो पूरी चीज़ें आपको अवेलेबल होती हैं। एक एडिटर को फोकस होकर एक ही जगह बैठ के अपनी मशीन पर काम करना होता है, तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप बहुत फोकस्ड हो, आप बहुत सिंसियर हो, आपके अंदर एक पैशन भी हो, जोश भी हो कि यार मुझे एक फाइनल प्रोडक्ट बनाना है, उसके साथ साथ
पेशेंस भी हो, सब्र भी हो, क्योंकि वो एडिट होने में टाइम तो लगेगा। आपको बहुत सारे शॉट्स को बारीकी से देखना होगा, तो अगर ज़रा सा भी फोकस हटा तो ऐसा भी हो सकता है कि गलत शॉट आप लगा दें, गलत तरीके से लगा दें। तो आपको फोकस रहना बहुत ज़रूरी है। एडिटिंग के लिए अगर आप कोई भी गाइडेंस चाहते हैं, कोई भी सपोर्ट चाहते हैं, तो स्क्रीन पर जो नंबर दिया गया है जॉइंट फिल्म्स की सपोर्ट टीम को कॉल कर सकते हैं, वो आपको गाइड कर देंगे। इस वीडियो में आपको क्या समझ में आया मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। क्या आप एडिटिंग पर और वीडियो देखना चाहते हैं वो भी बताइएगा। अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे, तब तक देखते रहिए, सीखते रहिए, जमे रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।